हेलो गाइस, जुड़ जाइए फिर से हमारे साथ दोस्तों। काफ़ी रोमांच भरा दोस्तों मैच चल रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 7.1 ओवर में 94 रन हो चुके हैं दोस्तों। टीम वेस्ट इंडीज के दोस्तों 11 ओवर में दोस्तों 132 रन बनाने थे टीम वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 4 विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर में 93 रन बना लिए हैं 23 गेंदों में दोस्तों। 39 रन चाहिए मात्र, जो कि दोस्तों इनके पास अभी भी 5 विकेट, सॉरी दोस्तों 6 विकेट इनके हाथ में हैं। और अभी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों अभी कैप्टन क्रीज पे हैं। तो दोस्तों ऐसे में मान सकते हैं आपके लिए काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी है अभी दोस्तों इनके पास। दोस्तों 7.2 ओवर हो चुके हैं, अब 97 रन हो गए हैं इस टीम के पास में। जब जब भी दोस्तों बड़ा लक्ष्य मिलता है तो वेस्ट इंडीज़ की टीम दोस्तों उसे चेज कर ही लेती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की टीम लगातार दोस्तों अभी रोमन पॉवल काफ़ी सॉरी दोस्तों हाँ रोमन पॉवल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि दोस्तों ये चौका छक्का चौका लगा के दोस्तों अपनी टीम के लिए आज विजय दिला के ही रहे, जय मिल जाती है सीरीज में। दोस्तों टीम का भी मनोबल ऊंचा रहता है आगे आने वाले मैचों में, दोस्तों टीम का मनोबल अच्छा रहेगा। दोस्तों रोमन पॉवल ने गेंद को उठा के मारा फर्गुसन की गेंद को दोस्तों, फरगोइन की दोस्तों, बी फरगोइन दोस्तों काफ़ी महंगे साबित होते हुए दोस्तों 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर दोस्तों 106 रन होते हुए दोस्तों टीम वेस्ट इंडीज के दोस्तों अगली गेंद गेंद को उठा के मारा फिर से बैक टू बैक 6 दोस्तों 8 ओवरों में दोस्तों 112 रन हो गए हैं वेस्ट इंडीज के। बी फोर दोस्तों 2 ओवर में दोस्तों अभी तक 42 रन दे दिए हैं उन्होंने दोस्तों, और दोस्तों 1 विकेट निकाला है मात्र। काफ़ी दोस्तों कहे जाए दोस्तों महंगे ओवर डाले हैं दोस्तों इन्होंने ये दो दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ की टीम तो वैसे भी जानते हो धाका टीम रहती है, चौके छक्के तो 12 गेंदों में दोस्तों इन्होंने ये 12 गेंदों में 33 रन बनाए खेल रहे हैं रोमन पॉवल दोस्तों। दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है दोस्तों रोमन पॉवल ने, 12 गेंदों में 33 रन बना के खेल रहे हैं दोस्तों। काफ़ी दोस्तों इन्होंने आके चौके छक्के पर ज़्यादा डिपेंड रहे हैं दोस्तों, दोस्तों ऐसे रन नहीं बन पा रहे थे कि चौके छक्के दोस्तों ही चाहिए रहे थे। दोस्तों एक सौ इकतीस का लक्ष्य दिया है दोस्तों। एक सौ इकतीस का लक्ष्य दिया है दोस्तों, तो 131 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बल्लेबाजी भी दोस्तों उसी हिसाब की चाहिएगी। तो दोस्तों उस हिसाब की बल्लेबाजी नहीं होगी तो आप लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाएंगे ठीक से। 18 गेंद दोस्तों 20 रन चाहिए, लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है अब, ये वेस्ट इंडीज टीम पूरा कर ही लेगी दोस्तों।
वेस्ट इंडीज टीम दोस्तों चौके छक्के मारने में वैसे भी आगे रहती है दोस्तों। काफ़ी अच्छी दोस्तों बल्लेबाजी होती हुई वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से। नौवें ओवर की शुरुआत दोस्तों डॉट बॉल, दोस्तों डॉट बॉल से शुरुआत हुई है। 13 गेंदों में 34 रन बना के खेल रहे हैं रोमिल पावर। एक चौका दोस्तों, 4 छक्के लगाए हैं दोस्तों इन्होंने अपनी पारी में। इसमें दोस्तों सदर फोर्ट का दोस्तों विकेट गिरता हुआ, बेन पारनेल ने दोस्तों रन आउट कराया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक सिंगल आता हुआ। 113 पे दोस्तों 5 हो चुका है अब स्कोर। काफ़ी मैच में अभी तक निर्णय आया नहीं है, लेकिन दोस्तों अब इतना तय है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत हाथ में गई दोस्तों। 16 गेंदों में मात्र 19 रन चाहिए इनके लिए। और दोस्तों क्रीज पे हैं रोमन पॉवेल दोस्तों। तो रोमन पॉवेल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोमन पॉवेल काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। टीम को उन्होंने अपनी कठिन स्थिति से निकाला है दोस्तों, कठिन परिस्थिति से टीम को बाहर निकाला है दोस्तों, और टीम को आगे लेके जा रहे हैं दोस्तों।